रिकॉर्ड करता हूँ, कहीं कहीं पे बोल नहीं पाता हूँ, तो भाई जहाँ बोल पाते हो वहाँ पर तो बोलो, जहाँ आपको कोई इंटेंशन लगता है कि यार मुझे इसकी बात करनी चाहिए उस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड मैं हूँ आयुष, आज फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोटो ब्लॉगिंग टिप्स के बारे में, जो कि हमें ज़रूरी है आना चाहिए, क्योंकि एज अ मोटो ब्लॉगर अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैनल, सो गाइस हमें ज़रूरी है आना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है ऑडियंस को कैसे बोरिंग ना लगे हमारा वीडियो, इसलिए हमें अच्छी वीडियो बनानी चाहिए, जो कि हमें कितने डिस्टेंस पे गाड़ी चलानी है अगली गाड़ी से, और क्या बोलना है, क्या वीडियो में कवर करना है, कैसे माइक सेट करनी है, माइक में विंड नॉइस कैसे ना आए, सारी बातें बताएंगे। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गाइस, अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो और कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। एंड आगे भी अगर आपको कोई वीडियो टॉपिक पे चाहिए तो भी हमें सजेस्ट कर देना, हम जरूर बनाएंगे आपकी वीडियो, हम आपके रिव्यू पर ही वीडियो बनाते हैं। सो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, अभी हमने कैमरा सेट कर लिया है और अभी हम चलते हैं और बताएंगे आपको, पूरी जानकारी देंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम आ गए बाहर और बज रहे हैं दोपहर के 12 और हम निकल चुके हैं बाहर और स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। एंड गाइस, मोटो व्लॉगिंग टिप्स में यही है कि अगर आप वीडियोस बना रहे हो तो वीडियोस में सबसे पहला तो आवाज़ आपकी अच्छी होनी चाहिए, जो कि एक माइक से ही हो सकता है, तो आप एक अच्छा माइक ले लीजिए। सो आप एक अच्छा माइक ले लीजिए और फ़ोन से भी रिकॉर्ड हो सकता है, रिकॉर्डिंग में कोई वो नहीं है। 10-15 हज़ार का भी अगर आपके पास फ़ोन है तो उसमें भी अच्छा कैमरा मिल जाता है, और जो कि आपको अल्ट्रा वाइड ऑप्शन भी मिल जाता है, जिससे कि आप शूट करेंगे काफ़ी अच्छा शूट होगा। लेकिन गाइस, कि अगर आप मोटो ब्लॉग कर रहे हैं तो कभी किसी की गाड़ी के पीछे ना चलाएं, जब तक ऑडियंस को सामने का पूरा फेस नहीं दिखेगा वो आपके चैनल पे बनी नहीं रहेगी और वो आपकी वीडियो को छोड़ कर चली जाएगी। सो गाइस, मान लीजिए आपकी वीडियो किसी ने प्ले करी और उसको आपकी वीडियोस अच्छी नहीं लगी, तो नीचे आपके सजेशन में कोई और वीडियो सजेस्ट कर देता है, 2-3 ऑडियंस आपकी वीडियो को छोड़कर जा भी सकती है, जिसका भी थंबनेल टाइटल वीडियोस में अच्छे लग गए वो आप प्ले कर सकता है। चलिए गाइस, गाड़ी में तेल वैसे भी नहीं है, चलिए डलवा लेते हैं और फिर चलते हैं आगे, बात करते हैं मोटो व्लॉगिंग टिप्स की और क्या क्या आप करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब बताएंगे इस बारे में। सो गाइस, अभी हम लोग ने तेल डलवा लिया है तो चलते हैं आगे, वरना ये फाटक बंद हो जाएगा। तो गाइस, हमें फिर से वेट करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग चलते हैं, जल्दी से निकलते हैं। और भाई, एम्बुलेंस को रास्ता दे दो यार। सो गाइस, गंगा बैराज की रोड है, काफ़ी ज़्यादा रस रहता है यहाँ पर, और भाई मैंने एक वीडियो में बोला था काफ़ी ज़्यादा रस है यहाँ पर, और एक वीडियो में कमेंट आता है एक लड़के का कि भाई रस क्या होता है, रस तो वीडियो में दिखाई नहीं। सो गाइस, रस कुछ लोगों को नहीं पता होगा, रस जाम को बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा रस लगा हुआ है। सो गाइस, चलते हैं आगे और बात करते हैं मोटो व्लॉगिंग टिप्स के बारे में। सो गाइस, वीडियोज़ रिकॉर्ड करने के लिए मेरे एरिए में ये ज़्यादा अच्छी रोड लगती है मुझे, क्योंकि ये सिंपल सीधी जाती है रोड बैराज से होकर कानपुर, और ज़्यादा यहाँ पर नॉइस नहीं होता है, ना ही ज़्यादा कोई भीड़ भाड़ होती है। सो इसलिए मैं रिकॉर्ड गाइस यहीं करता हूँ, और मोटो व्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियोस और जो भी मैं जानकारी या वीडियो में डिटेल देता हूँ सारी इधर ही रिकॉर्ड करता हूँ। सो गाइस, आज वीडियो में बात करते हैं मोटो व्लॉगिंग टिप्स के बारे में। सो गाइस, इसकी सबसे पहली टिप्स यही है कि आप अगर चल रहे हो तो किसी भी गाड़ी के पीछे मत चलो, क्योंकि ऑडियंस आपकी वीडियोस छोड़कर जा सकती है। सो गाइस, प्लीज़ आप जब भी रिकॉर्ड करो, सामने पर कोई नहीं होना चाहिए, अगर ओवरटेक कर गए आप अब आगे निकल सकते हो, पर गाइस सेफ्टी का भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि ओवरटेकिंग के चक्कर में आप कुछ भी कर दो। सो बस मेरा यही कहना है, ध्यान से चलाओ, सेफ राइडिंग करो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपके लिए आपका होना, आपसे ही आपका चैनल है। सो गाइस, आप देख सकते हो दोपहर के बज रहे हैं 12:15 या 12:20 हो रहा होगा, और मैं आ गया हूँ इधर बैराइज की रोड पे। सो गाइस, वीडियो रिकॉर्ड करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है ये, क्योंकि काफ़ी अच्छी धूप होती है और ब्राइटनेस लेवल भी आपको अच्छा मिल जाता है, क्योंकि गाइस हमारे पास मोटो ब्लॉगिंग में तो कोई लाइट वगैरह होती नहीं है, एक यही लाइट है जो भगवान की दी हुई है और कुछ नहीं। सो गाइस, आज हम लोग आज बात करते हैं
और गाइस कभी भी आप बात कर रहे हो ना तो ऑडियो, जैसे कि आप कुछ लोग कह रहे थे कि मैं भाई रिकॉर्ड करता हूँ कहीं कहीं पे बोल नहीं पाता हूँ, तो भाई जहाँ बोल पाते हो वहाँ पर तो बोलो, जहाँ आपको कोई इंटेंशन लगता है कि हाँ मुझे इसकी बात करनी चाहिए उससे बात करो ना यार। उसके बाद आप एडिटिंग में तो वो पार्ट कट हो ही जाएगा जो जिस पर आप बात नहीं कर रहे हो, वो तो एडिट हो ही जाएगा। तो गाइस वो पार्ट एडिट हो सकता है, उसमें चिंता मत करो, आप जो सही लग रहा है वो बोलो, फिर बाद में एडिटिंग में आप वो चीज़ हटा देना जो तुम्हें नहीं समझ में आ रही है। और कम्प्लीटली वीडियोस पहले अपनी खुद देखो, जब आपको बोरिंग ना लगे तब अपलोड करो, और बोरिंग लगता है तो इंटरेस्टिंग कोई साउंड कोई चीज़ बनाने के लिए उसे एडिट करो, एडिशनल एडिटिंग करो, बढ़िया एडिटिंग सीखो, एडिटिंग नहीं आती यूट्यूब से सीखो, क्योंकि यूट्यूब पर भी ऐसी गाइस काफ़ी सारी वीडियोस हैं जिससे कि आप सीखकर भी आप बना सकते हो और बनाकर लोगों को दिखा सकते हो, दिखाकर पैसा कमा सकते हो। पैसा कमाना ज़रूरी नहीं है पर एक अच्छा इंसान और एक अच्छा यूट्यूबर बनना ज़रूरी है, पैसे तो आते रहते हैं फिर। सो गाइस मैं तो कभी नहीं सोचता कि मुझे यूट्यूब से पैसे मिलना चालू हो जाएँ, लेकिन क्योंकि सो गाइस मैं कभी इस बात पर ज़्यादा फोकस नहीं करता कि यार मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरे पे पैसे नहीं आ रहे, मेरा मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हो रहा है, व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, मेरा क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हो रहा है, नहीं। मैं रेगुलर अपलोड करता हूँ, मेरा कभी ना कभी कोई ना कोई वीडियोज़ तो जाएगा ही जाएगा। सो गाइस इसलिए कभी भी वो सोच कर आप ना करें, इसको आगे जाने देते हैं पहले, क्योंकि इसको ज़्यादा जल्दी है, बिकॉज हम रिकॉर्ड करते हैं वीडियोस, हमें चाहिए होता है टॉपिक, किस टॉपिक पे बात करें आपसे और क्या दिखाएं आपको, हमें रेगुलर नया कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो गाइस अगर आपको कुछ सजेस्ट हो, आपको कुछ सजेस्ट करना है तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, अगर आप सही समझते हो कि हमें इस टॉपिक पे अच्छा लगता है, हमें ये चीज़ बनाओ, हमें ये देखना है, तो हम बनाएंगे आपके लिए, आप लिखिए कमेंट में। वीडियोस पहले अपनी खुद देखो, जब आपको बोरिंग ना लगे तब अपलोड करो, और बोरिंग लगता है तो इंटरेस्टिंग कोई साउंड कोई चीज़ बनाने के लिए उसे एडिट करो, एडिशनल एडिटिंग करो, बढ़िया एडिटिंग सीखो, एडिटिंग नहीं आती यूट्यूब से सीखो, सीखकर भी आप बना सकते हो और बनाकर लोगों को दिखा सकते हो, दिखाकर पैसा कमा सकते हो। पैसा कमाना ज़रूरी नहीं है पर एक अच्छा इंसान और एक अच्छा यूट्यूबर बनना ज़रूरी है, पैसे तो आते रहते हैं फिर। और अगर गाइस आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले सब्सक्राइब, और लाइक कर दीजिए वीडियो और कमेंट करिए कि कैसी लगी।